नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित वीडियो होने वाला है। भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है, देखो किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में कि फार्म कब आएंगे, लेकिन आप बार बार मैसेज करते हो, फ़ोन भी आते हैं कि सर कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। देखो, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मेरे पास क्या, किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। बस एक बात आपको ये बता दूं मैं कि फार्म आपके 100% आएंगे, लेकिन ये नहीं बता सकता कि फार्म कब आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी 40,000 के पद ज़रूर आएंगे। अब दूसरी बात ये है भाई कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से यही पूछा जा रहा है कि फॉर्म क्यों नहीं आ रहे। फॉर्म भाई इस वजह से नहीं आ रहे, देखो कहीं ना कहीं UPSI भर्ती पे जो कोर्ट केस वाला जो मुद्दा उठ रहा है, वो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण है आपकी भर्ती को रोकने के लिए। UPSI में, UPSI जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस में भर्ती बोर्ड भी और आपकी पेपर लेने वाली जो कंपनी है NSIT, दोनों की दोनों व्यस्त है। आपका पेपर भी NSIT ही लेगी, UP कॉन्स्टेबल का, दोनों की दोनों व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं भाई सबसे बड़ा कारण मेरे अनुसार है कि UPSI कोर्ट केस का जो मामला है, भर्ती बोर्ड उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी है और आपके फार्म कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, भर्ती आपकी लेट होती जा रही है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है। भर्ती बोर्ड कोर्ट केस में लगा हुआ है क्योंकि पता है भाजपा की गवर्नमेंट है, भर्ती कैंसिल हो नहीं सकती। अगर भर्ती पर कुछ भी ऐसा कोर्ट ने बोल दिया तो कहीं ना कहीं जो भर्ती बोर्ड के ऑफिसर है उनको अपनी नौकरी से बैठना पड़ेगा। सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव है UPSI को लेकर, तो भर्ती बोर्ड हमें अपनी पूरी ताकत कोर्ट में झोंक रहा है कि कैसे भी करके कोर्ट से इस भर्ती को राहत मिले, और राहत मिल के बहुत जल्द इसका मेडिकल, और मेडिकल के बाद दूसरी जो भर्ती है आपकी कॉन्स्टेबल की, वो जल्द ही आएगी। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी एक भी दिन ना छोड़ दे भाई, बीच में एक दिन भी। कंपटीशन बहुत भयंकर लेवल का है, आप तैयारी आपको रोज़ करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी में 5-6 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे। और दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं अभी भी, उन्हें ये नहीं पता कि हमें अपनी तैयारी कैसे, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस से, मतलब ज़्यादा ध्यान दो, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा। भाई सभी स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट तो देखो स्ट्रॉन्ग हो गया है, और कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तो भाई मेरी तो यही बात है भाई, अपना जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दे लो, क्योंकि अब जो समय है आपका वो समय है अब कि वीक पॉइंट पर ध्यान देकर आप उन पॉइंट को भी अपना ठीक कर सकते हो। भयंकर लेवल का कंपटीशन है, बच्चे बाट में बैठे हुए हैं, वेट में चर चर साल से वेट में है यूपी कॉन्स्टेबल का। तो भाई मेरी तो यही है, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहो, पेशेंस बनाए रखो। देखो जब भर्ती आएगी, आप पेपर दोगे, आपका नंबर आए, नंबर आने के बाद भी आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी जॉब पे भी। आप ये सोच रहे होगे कि बस भर्ती हो जाएगी और आगे फिर मौज है, मौज नहीं है भाई, मौज तो जो कुछ है भी है थरिया, नौकरी के बाद में मौज नहीं होती। अगर कोई गवर्नमेंट तुम्हें 40,000 रुपये दे रही तो वो काम लेगी, थार पता है। ठीक है भाई, इतना ही है बस, मेरी तो यही बात है, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो के अपनी तैयारी में रहो। जब भी आएंगे फार्म पेपर, फार्म से 3 महीने में ही पेपर हो लगा, 3 महीने तो भाई आपके ऐसे पेपर, फार्म आने के बाद तो 3 महीने आपके ऐसे जाने वाले हैं, बहुत स्पीड से जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद भाई, तैयारी ना छोड़ दियो। देखो अगर 40,000 में नंबर लेना, तैयारी ना छोड़ दियो भाई। तो भाई वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके।